चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। चतुर्मासों का निष्ठापन हो चुका, अष्टानी का पूर्ण हो गई और अब समय आ गया है 5,500 जैन साधु संतों का विहार का, जो अब अलग अलग दिशा में अलग अलग जगह पर कहते हैं कि ज्ञान की धारा जो अभी तक किसी बांध में बंधी हुई थी अब वह अविरत बहने को आतुर हो गई है। ऐसे समय हमारी जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है जब विहार होता है इन चल तीर्थों का, क्योंकि पिछले 2 साल में इस तरह की हमें कई दर्दनाक सूचनाएं मिली हैं कि ऐसे समय में दुर्घटनाएं होती हैं। हम उसकी गहराई में नहीं जा रहे कि दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, क्योंकि उस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज हम उस गहराई की बजाय हम अपने भविष्य की बात करते हैं, उसको सुरक्षित रखने की बात करते हैं, क्योंकि अब संतों के आहार विहार की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है, समाज की है। जब भी हम हाईवे से विहार करते हैं तो ये पाना नहीं है कि धुंध हो गई थी, दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा हो गया था, छट नहीं रहा था, दूर से दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसे में पुलिस की सुरक्षा लेकर विहार करवाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, ना कि साधु संतों को छोड़ने की जिम्मेदारी है। इस बात को जरूर ध्यान रखें कि विहार में समाज साथ में हो तभी साधु का विहार करें। पुलिस की चौबंद सुरक्षा व्यवस्था लीजिए जब लंबे विहार हो, हाईवे पर विहार हो, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिकता बनती है हमारी। आज हम इसके साथ बात करेंगे, जब भी हम साधु के चरण पगाड़ते हैं तो उस चरण पगाड़ने से महत्वपूर्ण होता है कि हमारी बात से श्रद्धा कितनी बढ़िया होती है। निमावर में अभी एक चरण छूने लगी, ऐसे ही श्रद्धालु पहुंचा तो आचार्य श्री विद्यासागर जी बार बार बचे गिरते से, क्या यह हमें सही लगता है? और है एक बात और, आज हेडलाइन समाचार में करेंगे आप चरों के में कि 153 देशों में 90% मांसाहारी देश होते हैं, आज वे शाकाहार के गुणगान गाते हैं। 11,000 वैज्ञानिक कहते हैं मांसाहार से बचो, शाकाहार को अपनाओ। शुरुआत करते हैं आज के जरूर की इन हेडलाइंस के साथ। और अब हेडलाइंस, गिरते गिरते बाल बाल बचे आचार्य श्री। 153 देशों के 11,000 वैज्ञानिकों ने की मांसाहार छोड़ने की अपील। जगह जगह हुआ पिछी परिवर्तन, हरदा पंचकल्याणक आचार्य श्री के सानिध्य में। राष्ट्रीय एकता समारोह की शुरुआत महामंत्र से। मिसेज इंडिया यूनिवर्स ग्लोब जीतकर बढ़ाया जैनों का गौरव, यह खुशी की बात। जैन समाज के लिए फिर दुख की खबर, लुटेरी दुल्हन गैंग से में संत का भाई हुआ अंदर। तीर्थ यात्रियों की कारें टकरा गई आमने सामने। अब खबरें विस्तार से। गिरते गिरते बाल बाल बचे आचार्य श्री। आचार्य श्री विद्यासागर जी नेमावर में जैसे ही बाहर निकले तो संघ के बीच बढ़ रहे थे कि किसी ने बीच में हाथ बढ़ाकर चरण छूने की कोशिश की, तभी आचार्य श्री लड़खड़ाते हुए बाल बाल गिरने से बचे। आचार्य श्री कुछ क्षण रुके और फिर आगे बढ़ गए। अब यह दृश्य दोबारा आप धीमी गति से देखिए। कभी भी साधु जब विहार कर रहे हो तो बीच में चरण छूने का प्रयास ना कीजिए, यह हमारे चल तीर्थों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। इस पर आचार्य श्री विद्यासागर जी ने भी कुछ कहा, आइए पहले वह सुनते हैं आपके साथ। चरण भले नहीं छू पाओ कोई बात नहीं, जहां से आचार्य से निकल जाए वो चरण को छू लेना वही काफी, चरण की रज को छू लेना। चरण नहीं छू पाओ तो कोई बात नहीं, चरण की रज छू लेना। जहां महाराज आचार्य जाते साधु के चरण मत पकड़ा करो, चरण पकड़ने से साधु को गिर सकते नुकसान हो जाते हैं। साधु के चरण से भी ज्यादा पूजनीय है, ज्यादा अतिशयकारी है, जहां साधु का पैर पड़ता है वहां की जो धूल है वो वंदनीय है, वो रज है। जो अभी कहा था ना भक्तांबर पाठ में, भगवान के लिए उतना पूजनीय नहीं कहा, भगवान से असाता साता में बदल जाए नहीं, तद पाद पंकज रजो, यानी चरण कमल से नहीं आपके चरणों की रज से। तो चरण चिन्ह अपने यहाँ पूछें, सम्मेद शिखर में देखो चरण चिन्ह, महाराज जहाँ जाते हैं साधुओं के लिए उनके पैरों की अपेक्षा जहाँ उन्होंने कदम रखा है वो स्थान वो धूली वंदनीय है और अतिशयकारी है, इसके लिए कोई बाधा नहीं है। खबर 153 देशों के 11,000 वैज्ञानिकों ने की मांसाहार छोड़ने की अपील। जी हाँ, शीर्षक पढ़कर ही चौंकने की बात है। अब जब जलवायु आपातकाल की घोषणा हो गई है, ऐसे में 153 देशों के 11,000 वैज्ञानिक जिसमें से अधिकांश मांसाहार के हैं, उन्होंने पूरे विश्व को चेताया है कि भूमंडल का संरक्षण अभी नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने 6 सुझाव दिए हैं जिनमें प्रमुख है मांसाहार को छोड़ना।
वैज्ञानिकों ने अपील की है कि लोग शाकाहार को अपनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जी खाएं, इसमें मीथेन और मुनीहाउस जैसी गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी। साथ ही उन्होंने कहा है खाने की वस्तुओं की बर्बादी रोकना। जब हमें साधु संतों के रूप से सुनते हैं, हम विद्वानों सुनते हैं कि मांसाहार को छोड़ें, तब आपके कानों में जू नहीं रहती, लेकिन जब अब विज्ञान कहता है, डॉक्टर बोलेंगे कि मांसाहार छोड़ें, तो शायद आप इस बारे में सोच सकें। वैज्ञानिकों ने किसके साथ कहा है कि अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल हो, जनसंख्या कम करने की बात करें, कार्बन युक्त अर्थव्यवस्था के विकास पर भी जोर देने को कहा गया है। अब छोड़िए मांसाहार, अपनाइए शाकाहार, विश्व पर बढ़ रहे खतरे के लिए यही रहेगा सही प्रहार। अगली खबर, जगह जगह हुआ पिछी परिवर्तन। चतुर्मास निष्ठापन के बाद देश भर में दिगंबर साधु संतों साधुओं के संयम दया के उपकरण पिछी का परिवर्तन हुआ। मयूर द्वारा छोड़े गए पंखों से बनने वाली पिछी इतनी कोमल होती है कि चींटी से भी छोटा जीव इससे नुकसान नहीं पाता। कई जगह पिछियों का परिवर्तन बोलियों से किया गया और कई जगह त्याग की भावना बढ़ाने वालों को पुरानी पिछियां प्रदान की गई। अब आप जरा सोचिए, अपने अपने घर ले जाकर शावक पिछियों का करते क्या होंगे, सोचिए। अगली खबर, हरदा पंचकल्याणक आचार्य श्री के सानिध्य में होगा। मध्य प्रदेश के हरदा नगर में कॉलेज रोड पर स्थित नवनिर्मित दिगंबर जैन मंदिर का पंचकल्याणक 24 से 30 नवंबर तक होने जा रहा है। इसमें आचार्य श्री विद्यासागर जी का पानव सानिध्य मिलेगा। इस नवनिर्मित मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की पद्मासन मुद्रा में 11 फीट ऊंची भव्य मनोहारी प्रतिमा विराजित की जा रही है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। फिलहाल तैयारियां जोरों पर है। अगली खबर, राष्ट्रीय एकता समारोह की शुरुआत महामंत्र से। नई दिल्ली में अभी हाल में हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार समारोह की शुरुआत महामंत्र नमोकार से की गई। जैन समाज के लिए गौरव की बात है। कार्यक्रम में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, अशोक गहलोत आदि की उपस्थिति में अजैन समारोह में यह हुआ। एक बार सुनिए आप इसके चंद क्षण। अगली खबर, मिसेज इंडिया यूनिवर्स ग्लोब जीतकर बढ़ाया जैनों का गौरव, यह है खुशी की बात। 37 वर्षीय ऋचा जैन ने अपनी घर गृहस्थी के साथ बच्चों के लालन पोषण के साथ मॉरिशस में आयोजित मिसेज इंडिया यूनिवर्स ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिसेज इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीत जैन समाज का गौरव बढ़ा दिया है। होम टाउन आगरा और मुंबई से जुड़ी मॉडलिंग की शौकीन और अब दो बच्चों की मां ऋचा जैन ने 40 प्रतियोगिताओं में यह खिताब जीता। अब उसका सपना इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ने का है। ऋचा को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अगली खबर, दुख की खबर, जैन समाज के लिए दुख की खबर है। लोटेरी दुल्हन गैंग में संत का भाई हुआ अंदर। यह खबर है इंदौर के सिवनी थाना क्षेत्र से, जहां पुलिस ने अभी हाल में कथित श्वेतांबर संत संजय मुनि के भाई दलीप कुमार पुत्र श्री मूलचंद जैन श्रीमाल निवासी पंचपर्दा को सिमाची क्षेत्र के कुंवारे लड़के और लड़कियों को सगाई करने का झांसा देकर रुपए हड़पने और सगाई शादी में दलाली करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अभी हाल में शादी दलाल अनिल जैन, पूजा राठौर सहित 5 दलालों को स्पेशल टास्क फोर्स ने पकड़ा है। इसमें दलाल गुप्त सौदा कर विवाह करवाते हैं, जिसमें लड़कियां नकली नाम, नकली जाति, नकली आधार कार्ड और नकली फर्जी माता पिता रिश्तेदारों के साथ सब गुप्त शर्त पर एक अवधि के लिए किराए की ससुराल में रुकती हैं और मौका देख तिजोरी पर हाथ साफ कर देती हैं। ऐसी कई लड़कियां 2 से 5 शादी कर लुटेरी बन चुकी हैं। परिवार की कमजोरियां जानकर वे ब्लैकमेल करती हैं। मारवाड़ी जैन परिवार सामाजिक प्रतिष्ठा व लोकराज के चलते इसको छुपाता है। इस बारे में एक अलग से एपिसोड देखिए पूरी विस्तृत खबर के साथ। अगली खबर, तीर्थयात्रों की कारें टकराई आमने सामने। राजस्थान के भीलवाड़ा व कर्नाटक बेंगलुरु के जैन तीर्थयात्रियों की गाड़ी मूठली में अजतोरा के बीच सामने से आ रही कार से सीधे भिड़ जाती है, जिससे यह दर्दनाक हादसा हो गया। इस भीषण दुर्घटना में 2 व्यक्ति की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिन्हें स्थानीय नाहटा हॉस्पिटल से बालातोरा से जोधपुर को रेफर कर दिया गया है। साथ ही अन्य 8 लोगों का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। यहाँ यह भी बता दें कि सामने वाली कार में भी मोकलसर के राजपुरोहित समाज के यात्रियों की थी। और अब देखिए यह मंदिर, देखिए पूरा मंदिर चांदी का बना हुआ है। जी हाँ, चांदी का। आप सोच रहे होंगे कि यह मंदिर कहाँ पर है, दिल्ली के
या मध्य प्रदेश के, गुजरात के किस कोने में, किस देश के, हमारे इस देश में किस जगह पर है। आपकी हैरानगी को हम करने से कम नहीं करते हैं, हम और बढ़ा देते हैं, यह कहकर कि यह मंदिर समाज में नहीं एक श्रावक के निवास पर है और वह है हरिद्वार में। है ना, यह देखिए गजब का मंदिर जो हम आपको जाते जाते दिखा रहे हैं। आपसे फिर मिलेंगे हम अगले एक एपिसोड में, और हम शुरू कर दिया है हमने जरा हटके भी आपके साथ। आपने अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध करते हैं एक बार अपने इस मोबाइल पर जो दिख रहा है नीचे, अगर लाल में रंग में है लिखा हुआ सब्सक्राइब तो दबा दें इसको, क्योंकि अब 11% के लगभग हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं, और अगर इस तरह दबाते हैं तो यह काला हो जाता है इस तरीके से, और फिर हम आप सदा जुड़ते रहते हैं। आपके पास भी कोई ऐसी रोचक खबर होती है जो हमारी जागरूकता के लिए, हमारी प्रभावना को बढ़ाने के लिए काम आती है, तो कृपया हमें व्हाट्सअप करें इस नंबर पर, हम आपके नाम के साथ उसे हर जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 9910690823, 9910693। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।